गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह का फजल है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस थोड़ा सा फ़र्क है मुझे, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तो आप जैसे कि ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा और अभी हम जा रहे हैं, सबू दीदी आई है और सबू दीदी से भी मिलाती हूँ क्योंकि सबू दीदी आए थे परसों। क्या लाए थे सबू दीदी आप? परसों आए थे सबू दीदी और जैसू भी आया है। तो जैसे कि पहले मैं आपको सबू दीदी से मिलाऊंगी, अभी हम जा रहे हैं बाजार क्योंकि हमने लाना था थोड़ा सामान शामान, तो अभी जाएंगे हम बाजार और वहीं मिलते हैं आपसे। तो अभी सबू दीदी से भी मिलाती हूँ, चलो मेरे साथ। सो गाइज यहाँ पे है सबू दीदी जो कि हो गई है बहुत ज़्यादा वीक। तो आप बताओ, आप ठीक ठाक हो? अब आपको मिस कर रहे थे सारे यहाँ पे, झूठ मिस कर रहे थे, झूठ नहीं सच है। तो सबूदी आ गई है, अभी सबूदी 5 दिन हमारे घर में ही है, 5 दिन नहीं 10-15 दिन। तो और सबूदी की सास भी है यहाँ पे, ये सबूदी की सास है और सबूदी की सास भी आए हैं। और मम्मी जी हाय करो। ये सबूदी की सास है, थोड़ी बीमार है तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो मम्मा भी अभी हम जा रहे हैं बाजार क्योंकि हमें थोड़ा चलाना है सामान और बैंक में कुछ काम है, तो चलते हैं वहीं, तो वहीं आपसे मिलते हैं, ठीक है। सो जैसे कि आपने बहुत दिनों के बाद मम्मा को भी देखा होगा क्योंकि मम्मा थे जम्मू, आपको पता ही है। जैसे कि मम्मा शाम दुआ नहीं करनी है, ठीक हो? बस और क्या कर रहे हो? सो बस अभी हम जा रहे हैं बाजार। मैंने मम्मा का पर्स पकड़ा है, मम्मा लो, मैं नहीं पकड़ती पर्स, अपना अपने पास रखो। सबू दीदी आ रही है पीछे पीछे चल चल के, मेरी आंखें अंदर चली गई है। मम्मा देखो बीमार हुई ना, आंखें मेरी अंदर चली गई। सो कल हमने अपनी नानी को दिया था यहाँ पे पूरा साफ करके क्योंकि नानी के घर में थी बहुत ज्यादा गंद। बुजुर्ग जब इंसान होता है ना, वो किसी के मोहताज नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि मोहताज अगर किसी का इंसान हो गया ना तो वो फिर। मेरी नानी बहुत बीमार है जिसकी आपको पता ही है, तो वो अपने घर को जैसे देख भी नहीं पा रहे थे, इतने जाले थे यहाँ पे जैसे कि सदियों से किसी ने सफाई ही नहीं की थी। फिर हमने कल मैं और ताने दी आए, कल हमने यहाँ पे पूरी सफाई की और मैं दिखाती हूँ कि कितना साफ़ किया हमने। ये देखो हमने कितना साफ तरीके से हमने यहाँ पे पूरा साफ किया था, हर एक चीज़ साफ करके रखी थी। ये मैं हूँ, हेलो। सो जैसे कि मुझे लगता है अम्मा इस टाइम अक्की अम्मा क्या खा रही भाई? तो ये है जैसे कि भाई जिसको बोलते हैं बम सूट है मम्मी। अम्मा बोलो, लाइक करो, कमेंट करो, क्या करो? लाइक करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो, शेयर करो, शेयर करो। आओ भाई खाओ, आओ भाई खाओ, हमारी लड़की को प्यार। सो अभी मैं नानी के घर आई हूँ, जैसे कि अभी नानी देखो क्या कर रही है, रुको ऐसे लगती हूँ। नानी का किचन है हमारा बहुत प्यारा, दे मुझे अम्मा मिक्की भी, भाई मिक्की भी मुझे दी नहीं अम्मा, मुझे मम्मी मुझे भी दो। पहले होते थे भाई बाबा एक कडू के हसी रात नहीं रखी, आई ना बाजार से फिर काटती हूँ, ठीक है? फिर और रखेंगे डोब कर, कोई बात नहीं, आप इन्हें डोब के रखी है ये जरा, अम्मा ने रखी है थोड़ी सा फर्श डोब के, बोरे निकाल दे, मगर अभी मैं बाजार जा रही हूँ तो बाजार से आके मैं निकाल दूंगी वो। सो यहाँ पे हम बाजार पहुंच चुके हैं और सबूदी की थक के हो चुकी है बुरी हालत, चलते हैं अभी शॉप पे, पहले बैंक में जाना है हमने। सो अभी हम बैठ गए हैं मेटाडोर में क्योंकि सबूदी बहुत थक गई थी, जैसे कि सबूदी की है बुरी हालत। क्या सो यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं अपनी शॉप पे, तो बस यहाँ पे सामान डलवाएंगे तो फिर निकलेंगे। सो यहाँ पे सब बुद्धि लिख रहे हैं कि क्या कराना है क्योंकि हमने घर से लिख के नहीं लाया था, सब बुद्धि लिख रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा सामान डल रहा है, बहुत टाइम लगा रहे हैं भैया, हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा बैठ बैठ के और 2 बजने वाले हैं। हाँ इस फोटो, सो यहाँ पे हमें ये बहुत प्यारा पैक दिखा है जो कि 240 का है,
इसमें सारे बिस्किट बहुत प्यारे हैं, हम ले रहे हैं। सुनो रस्सी ले आओ, मुझे भूल जानी है। ये पाए 50 रुपए भैया, ये भी लिख लेना। सो गाइज, यहाँ से हम हो चुके हैं फारिक, यहाँ से हमारा हो चुका है बिल्कुल काम खत्म। हमने मजदूर अंकल को बोल दिया है कि हमने यहाँ पे सामान रखा है, वो आएंगे ले जाएंगे। इतनी गर्मी में ये धूप में बैठी है, देख रहे हो, पागल है तू, इतनी गर्मी में धूप में बैठी है, बीमार है ना यार, ठंड लग रही है। कोई मसला नहीं, अल्लाह ठीक करेगा, दीजिए आशीर्वाद। वाह, मेरा बच्चा ना, मैं सब कुछ खा लूँ, सब कुछ सब दीदी। वाह कितना मजा है यार मेरे पास। एक इसकी छोटी छोटी निकली थी, ये देखिए अब इसको 3 निकल गई है अंगूठे पे। हाय हाय, 1 2 3 ये 2, तो इधर 2 निकल रही है। सबूरी तो पागल हो रही है। तो यहाँ पे हम बैंक पहुँच चुके हैं, ये है बैंक हमारा, बहुत ही बहुत ज्यादा बड़ा। सो हम जा तो रहे थे बिल भरने, बैंक भर, मैं बोल रही हूँ, हम तो जा रहे थे बैंक भरने हम जा रहे थे तो सडनली हमारे साथ एक वाकया हो गया कि एक को हो गया था आई फ्लू, एक आंटी को, वो से चल रहे थे, तो हमने बोला, मैंने बोला कि इन्हें आना क्यों नहीं लगाई है, उन्हें पीछे मुझे बहुत गुस्से से देखा मुड़ के, तो मैं डर गई, सबरी बहुत ज़्यादा डर गई। सबरी एक मिनट में मेटाडोर में बैठी, बोलती नहीं नहीं मैं मारेगी, मगर सबरी ऐसे कोई नहीं मारता, या फिर गलत फहमी है। बेइज्जती क्या करती, फिर हम बोलते ना आपने आना क्यों नहीं लगाई, आपका आई फ्लू हुआ है, किसी और को भी हो सकता है। तो फिर मम्मा ने बोला कि इस आंटी ने ये क्यों नहीं लगाई है। मम्मा ने बोला भी कैसे, इसको दिमाग नहीं है, वो बुरी थी। मम्मा बोलती है बदतमीज लड़की औरत ने। हाँ जी, यहाँ कोई सब्जी नहीं है मम्मी, सड़ी हुई अच्छी है ताजी। मम्मी हमें चिकन लेना है, हमें आज बनाना है बटर चिकन, देखते हैं। हाँ, चिकन लेना है, चिकन लेना। सब्जी मुझे इतनी गंदी लगती है ना, हेट अलग चिकन। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं बिरयानी, बिरयानी हमने ले ली, अब यहाँ से ले रहे हैं हम सब्जी। ले लो अच्छे वाले, नरम नरम लेना मम्मा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ताजी ताजी जलेबी, जलेबी आप। तो अभी हम आए हैं यहाँ से कुछ लेने, मम्मा ने कुछ लेना है। मम्मा क्या लेना है आपको? वो शॉप पे नहीं मिलता, वो शॉप पे नहीं मिलते ना, वो यहीं मिलेगा, तावीज जैसा है कोई, तो देखते हैं। इधर ये दो लड़के इतने भूखे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, अकेले अकेले ठूस रहे, और मैंने इनको पहले वहाँ भी पकड़ा। हाँ मुझे भैया देखा आपने, ये राखी भैया तो बहुत ही ज्यादा भूखे हैं, कंजूस। सबसे पहले मुझे, हाँ भूखा क्या बनना पड़ता है, नहीं मुझे दर, वो तो मुंह छुपाएगा ही, वो है ही भूखा, वो तो मुंह छुपाएगा ही। नहीं खा लो आप, मैं मजाक कर रही थी वैसे भी। भैया चलो दे दो, ये पैसे दे देंगे। हाँ मगर ये झूठ कैसे, भूखे लड़के यार, मैं हैरान हो रही हूँ इन लड़कों पे, शर्म भी नहीं है इन लड़कों को, मेरी बहन से पैसे डलवा रहे हैं भैया। दे देंगे इसको, मैं दे दूंगा नहीं है इसके साथ, इसके पास मैं डेली की कुलचे खाता हूँ, जाओ अपना। ठीक है फिर, डेली का मैं भी ये खाऊंगी, पैसे देगा। तो यहाँ से हमने ले लिए थम्स अप, क्योंकि हमें बहुत ही प्यास लगी है, इसलिए हम पियेंगे थम्स अप चलते चलते। स्कैनर का अंकल, स्कैनर घूम गया है, हाँ ये स्कैनर इधर। सो गाइज हम पहुँच चुके हैं घर, तो बस अभी जा ही रहे हैं, और धूप बहुत ज़्यादा है, मुँह की बुरी हालत हुई है। सो यहाँ से सबरी जाते हुए, सबरी हम पहुंच चुके हैं घर, और आप देख सकते हो पसीना कितना है, और बहुत थक गए हैं। घर पहुंचे हैं, बस अब खाना छाना खाएंगे, क्योंकि 3 बज रहे हैं, खाना खाते हैं। हम बैंक पे भी नहीं जा पाए क्योंकि तब बज रहे थे 2, और उनकी थी ब्रेक, लंच ब्रेक हुई थी, तो इसीलिए फिर हम आ गए। हमने आकिब को वो पकड़ा दिया, क्या बोलते हैं उसको, बिल, तो वहाँ से वो बिल भर देगा। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घर, और अभी क्या करते हैं, खाना छाना खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, उम्मीद करते हैं आपको किसी भी चीज़ से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, लव यू, कीप सपोर्टिंग।